Hello friends, how are you? I think you are all fine. Today we discuss long question answers of chapter first, the fun they had. Students we have already discussed very short and short question answers of this chapter. And today we are discussing the fourth question, especially the fourth question that is long questions and you have to give, द आंसर इन टू और थ्री पैराग्राफ्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल एंड द स्कूल दैट मार्गी एंड टोमी हैव इन द स्टोरी तो स्कूल रूम्स की बात हो रही है फ्रेंड्स और किसकी हो रही है मैकेनिकल टीचर की तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि जो मार्गी और टोमी हैं उनकी मैकेनिकल टीचर्स की क्या क्या फ़ीचर्स हैं और मार्गी और टोमी कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं फ्यूचर जनरेशन से इट मींस एडवांस जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं और उनके स्कूल्स रूम्स कैसे हैं और उनके टीचर कैसे हैं जो कि स्टोरी में जैसा डिस्क्राइब किया गया है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन बहुत बहुत इजी हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस यही मैटर मैकेनिकल स्कूल के बारे में क्लासरूम्स के बारे में हमें पहले से पता है और स्टोरी उन्हीं के रिवॉल्ज घूम रही है उन्हीं सेंटर पॉइंट्स की मैकेनिकल टीचर्स कैसे हैं ओल्ड टीचर्स कैसे हैं ओल्ड स्कूल्स कैसे थे और जो फ्यूचर जनरेशन के स्कूल्स हैं वो कैसे हैं बस यही डिफरेंस इस चैप्टर में दिखाया गया है नाउ वी डिस्कस्ड फर्स्ट क्वेश्चन आंसर अब इसमें कि उनके फ़ीचर्स क्या क्या हैं क्या क्या विशेषताएं हैं मैकेनिकल टीचर्स की कैसे हैं वो स्कूल रूम्स और उनके स्कूल रूम्स कैसे हैं द स्टोरी इज़ अबाउट द फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स के बारे में है लाइक मार्गी एंड टोमी जैसे मार्गी और टोमी है दे हैव अ मैकेनिकल टीचर उनका एक मैकेनिकल टीचर है लाइक रोबोटिक टीचर जैसे कि रोबोटिक टीचर है एंड वर्चुअल क्लास रूम्स और क्लास रूम्स रियल क्लास रूम ना होकर के कैसे टेक्निकल क्लास रूम्स हैं जिसमें कोई टीचर नहीं होता एक रोबोटिक टीचर होता है देर मैकेनिकल टीचर इज ऑलवेज ऑन स्क्रीन और उनके मैकेनिकल टीचर की क्या फीचर्स आई सबसे फर्स्ट कि वो हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं इट इज़ अ मशीन किस तरह से होते हैं एक मशीन की तरह से होते हैं विच इज़ लार्ज जो बड़े से दिखाई देते हैं एंड ब्लैक फेस और उनका ब्लैक सा फेस होता है फ्रेंड्स ब्लैक फेस किसका होता है स्क्रीन पे जब वो आते हैं तो उनका फेस कैसा दिखाई देता है ब्लैक स्क्रीन होती है तो इस तरह से उनका ब्लैक फेस होता है इट हैज ए बिग स्क्रीन यहाँ आई गया कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है वेयर लेसन्स आर शोन जहाँ पर सभी लेसन्स दिखाए जाते हैं एंड क्वेश्चन आर रास्ट और क्वेश्चन भी क्योंकि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर सिस्टम में फिट कर रखी है वो हमें आउटपुट एज इट इज़ देती रहती है तो वो चीज़ हमें उसके अकॉर्डिंग फिक्स फिक्स की हुई है कि लेसन्स कब आ रहे हैं या कहाँ हमने सेट किए हुए हैं उनको तो उसी तरह का सॉफ्टवेयर उसमें डाल करके वो चीज़ें रेगुलरली चलती रहती हैं एंड क्वेश्चन आर आस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैकेनिकल टीचर्स हैव नो फीलिंगिंगिंग्स मैकेनिकल टीचर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती लाइक हुमन टीचर्स जैसे हुमन टीचर्स की होती है दे कैन नोट इंटरेक्ट ना वो कोई इंटरेक्ट करते हैं विद स्टूडेंट स्टूडेंट्स के साथ देर इज़ अ फिक्सड प्लेस और इनका एक प्लेस भी फिक्स होता है कि कहाँ पर स्क्रीन पे वेयर मार्गी हैज़ टू सबमिट हर वर्क और जहाँ पर मार्गी को भी अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता है एवरी मकैनिकल टीचर हैज़ बिन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हर एक मकैनिकल टीचर को या सिस्टम को कैसे फिट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग फिट किया जाता है जैसा कि बच्चे का लेवल है अगर स्टूडेंट्स छोटा है तो उसको छोटे लेवल का सलेबस उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है और अगर स्टूडेंट्स सीनियर है तो उसको सीनियर लेवल का सलेबस जो है वो फिक्स किया जाता है मार्गी एंड टोमीज क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम अब बात आ रही है उनके क्लासरूम की कि उनके स्कूल रूम्स कैसे हैं उनके स्कूल रूम्स कैसे हैं उनके जो बेड वाला रूम है उससे नेक्स्ट रूम जो है वो उनका स्कूल रूम है इट एग्जिस्ट एट हर होम दे हैव नो स्पेशल बिल्डिंग तो फ्रेंड्स उनकी कोई स्पेशल बिल्डिंग नहीं होती जैसे आप लोगों की होती है फॉर स्कूल रूम्स स्कूल रूम्स के लिए इट एग्जिस्ट एट हर होम वो अपने होम पे ही एग्जिस्ट होती हैं उनकी जो क्लास है वो कहाँ एग्जिस्ट होता है आ उनके घर पर ही एंड नो क्लासमेट इज प्रेजेंट देयर और वहाँ पर किसी तरह का कोई भी क्लासरूम या उनका कोई क्लासमेट या उनका कोई फ्रेंड्स फैलो फ्रेंड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता इट इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम ये एक वर्चुअल क्लासरूम होता है वेयर रोबोटिक टीचर इज़ प्रेजेंट और वहाँ पर रोबोटिक टीचर ही प्रेजेंट होता है एंड ही नेवर फॉल्स इल और वो कभी भी बीमार भी नहीं होता रोबोटिक टीचर वो कभी बीमार भी नहीं होता तो कोई ह्यूमन टीचर्स वाली कोई भी उसमें फीचर्स नहीं है मैकेनिकल टीचर एक टेक्निकल टीचर की तरह से होता है रोबोटिक टीचर की तरह से होता है और एज़ यू नो उनका जो स्कूल रूम्स है वो कहाँ है उनके बेड से अगले वाले रूम में ही है वहाँ पर भी कोई क्लासमेट नहीं है इस तरह की चीज़ें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब की गई हैं नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड मार्गी हेट स्कूल अगला क्वेश्चन आता इसी का बी पार्ट कि मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी वाई डिड सी थिंक दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट है अब वो कहती है कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैं अपने स्कूल से तो वो हेट करती है इरीटेट होती है लेकिन कहती है ओल्ड काइंड के जो स्कूल थे वो ऑलमोस्ट क्या रहे होंगे बिल्कुल फ़नी रहे होंगे मार्गी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन्स मार्गी किससे बिलोंग करती है फ्यूचर जनरेसन से बिलोंग करती है फ्रेंड्स इनको रटने की ज़रूरत नहीं होती जस्ट अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन एंड टेक आइडिया फ्रॉम दीज क्वेश्चन वट वी हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन मार्गी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन्स मार्गी कौन सी जनरेशन से बिलोंग करती है फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करती है सी हैड अ मकैनिकल टीचर उनके टीचर कैसे थे भाई मकैनिकल टीचर्स थे एंड वर्चुअल क्लासरूम्स हर क्लास रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम उनका क्लास रूम कहाँ था उनके बेडरूम से नेक्स्ट वाला रूम था द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलवेज़ फ्लैश ड स्क्रीन मैकेनिकल टीचर हमेशा स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता था चमकता रहता था जब भी सिस्टम ओपन किया जाए टीचर स्क्रीन पे दिखाई देता था सो सी हेटेड द स्कूल तो इस जो जो प्रोसीजर था इससे वो क्या करने लगी हेट करने लगी क्योंकि ऑलवेज टीचर का प्रेजेंट होना रेगुलरली उनको वर्क मिलना तो इस तरह का जो प्रोसीजर था उसे मार्गी को इरिटेशन होने लगी वो हेट करने लगी फिर आता है फ्रेंड्स सी हैड आ रेगुलर टाइम फॉर स्टडी और उनका स्टडी के लिए भी आ, आ, वो, वेस कैसा टाइम था रेगुलर टाइम था सी फेल्ट बोर्ड ऑलवेज फाइंडिंग द टीचर ऑन द स्क्रीन वो बोर्डम फील करने लगी बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स बोर फील करना बोरियत फील करना किससे कि हमेशा टीचर स्क्रीन पे पाना सो सी हेटेड द स्कूल इसीलिए वो हेट करती थी द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी और जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या करता था जोग्राफी में उसको टेस्ट के बाद टेस्ट टेस्ट के बाद टेस्ट मिलते रहते थे द प्रीवियस डेज होमवर्क हैज़ टू बी पुट इन द स्लोट स्लोट होता फ्रेंड्स एक स्पेशल प्लेस और उसको जो प्रीवियस डेज वर्क होता था पहले दिन का जो वर्क होता था होमवर्क वो उसको पुट करना पड़ता था एक स्पेशल जगह पर मार्गी डिड नॉट लाइक यू टूल मार्गी इन सबको लाइक नहीं करती थी ये चीज़ें मार्गी लाइक नहीं करती थी सी लाइक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स किस चीज़ को लाइक like करती थी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को जो पुराने स्कूल्स होते थे जहाँ बच्चे एक साथ आते थे वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड जहाँ पर बच्चे चिल्लाते हुए हंसते खेलते हुए स्कूल यार्ड में आते थे इस सिस्टम को लाइक like करती थी मार्गी दे लर्न द सेम थिंग्स और सभी बच्चे मिलकर के सेम चीज़ें सीखते थे जैसे आप लोगों को सेम वर्क दिया जाता है सभी क्लासेस को पूरी क्लास को एक साथ एक जैसा वर्क दिया जाता है ये है कि उनके थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा कम कर दिया जाता है बट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें चलती हैं एंड स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर इन द होमवर्क और बच्चे भी आपस में मिलजुल के हेल्प करते थे जैसे आपका सिस्टम है सेम उसी तरह का सिस्टम और उसको मार्गी लाइक करती थी मार्गी लव्ड द इरेगुलर टीचर्स लाइक हुमेन टीचर्स इरेगुलर टीचर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स जो एक टाइम पे आते हैं और टाइम के बाद चले जाते हैं तो उस टीचर को क्या बोलेंगे रेगुलर टीचर्स जैसे ह्यूमन टीचर्स होते हैं दे हैव सेंटीमेंट्स उनके अंदर सेंटीमेंट्स होते हैं सेंटीमेंट्स क्या होते हैं फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं इंडिविजुअल किसी भी स्टूडेंट्स को समझने के लिए आपके फेस को पढ़ने के लिए डायरेक्ट इन होती है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में ये सारी फ़ीचर्स किस में होती हैं ये सारी फ़ीचर्स होती हैं एक ह्यूमन टीचर्स में एंड कंसिडेशन फॉर द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को वेल well अंडरस्टैंड करने के लिए तो वो कौन से टीचर्स होते हैं हुमेन टीचर्स होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है मैकेनिकल टीचर्स से दे एंटरटेन द स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स का एंटरटेनमेंट भी करते हैं आफ्टर स्टडी और स्टडी के बाद सींग ऑल दीज थिंग्स अब इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए मार्गी थोट मार्गी ने सोचा दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन कि जरूर जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स थे वो क्या रहे होंगे फन रहे होंगे वो बिल्कुल फनी होंगे तो ये था फ्रेंड्स हमारा बी पार्ट एंड नाउ वी गो टू द थर्ड पार्ट मीन्स सी पार्ट डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टू आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों क्वेश्चन में बट हमें स्पेशल इसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है डू यू एग्री विद मार्गी क्या आप एग्री हो मार्गी से दैट स्कूल्स टूडे आर मोर फन कि आज के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा फनी हैं देन द स्कूल्स इन द स्टोरी जो कि स्टोरी में स्कूल है स्टोरी में कौन से स्कूल हैं स्टोरी में है फ्यूचर जनरेशंस के स्कूल जो आगे आने वाली एडवांस जो जनरेशन है उनके स्कूल और आज के जो स्कूल हैं वो क्या क्या है ओल्ड पैटर्न के हैं इतना मैकेनिकल सिस्टम नहीं है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर तो अपने रीजन्स देने हैं मार्गी की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यस आई एग्री विद मार्गी हाँ मैं भी एग्री हूँ मार्गी की स्टेटमेंट से दैट स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी जो स्कूल आज के टाइम के स्कूल के टाइम के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा फनी हैं। इन दिस स्टोरी इस स्टोरी में मैकेनिकल टीचर्स आर डिस्क्राइब्ड मैकेनिकल टीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है मार्गी हैज़ ऑल्सो मैकेनिकल स्कूल्स मार्गी का भी मैकेनिकल स्कूल्स है एट अर होम उसके घर में ही सी हैज़ नो क्लासमेट्स तो फ्रेंड्स वही आइडिया रिवोल्व कर रहा है ऑलमोस्ट क्वेश्चन में सी हैज़ नो क्लासमेट्स उसका कोई क्लासमेट भी नहीं है एंड हुमन बींग टीचर ना हूमन बींग टीचर है सी इज़ फीलिंग बोर्ड इन सच टाइप ऑफ स्कूल्स वो बोर फील कर रही है इस तरह के स्कूल्स में सी सी कैन नाइदर प्ले विद हर क्लासमेट्स क्योंकि हर तरह से एंटरटेनमेंट होता है हर तरह से डेवलपमेंट होता है एक ग्रुप में स्टडी करने से आप सभी बच्चे मिलकर के सीखते हैं कभी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है आपस में क्लियर हो जाता है लेकिन इस तरह की चीज़ें आप मिलके खेल भी सकते हो लेकिन मार्गी के साथ ऐसा नहीं है वो बोर फील कर रही है इस तरह के स्कूल्स में ना वो खेल सकती है अपने क्लासमेट के साथ प्ले ग्राउंड में नोर कम होम टुगेदर और ना ही वो घर से इकट्ठे मिलके आ सकते हैं ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कौन सी एक दूसरा पॉइंट्स कौन सा है मार्गी हैज हर ओन इंटरेस्ट मार्गी का खुद का भी अपना कोई इंटरेस्ट है सी डजेंट दैट हर मैकेनिकल टीचर प्रेजेंट ऑल टाइम्स ऑन द स्क्रीन वो इस चीज़ को भी लाइक नहीं करती कि एक मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑलवेज स्क्रीन पे रहे इस चीज़ से भी वो हेट करती है फिर वो कहती है कि भी जो टीचर्स है मैकेनिकल टीचर्स है कांट फील द इंडिविजुअल्स फीलिंग्स एक मैकेनिकल टीचर जो है वो इंडिविजुअल्स की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जबकि ह्यूमन टीचर अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस फीलिंग्स ह्यूमन टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की या बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता है उनको समझ सकता अच्छी तरह से देख सकता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो समझ सकता है देर इज़ अ स्पेशल बिल्डिंग ऑफ ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स की एक स्पेशल बिल्डिंग होती है वेयर टीचर्स कम एट टा अ फिक्स टाइम जहाँ पर टीचर भी फिक्स टाइम पे आते हैं एंड चिल्ड्रंस कम फ्रॉम द नेबरहुड बच्चे भी एक साथ नेबरहुड से आते हैं पड़ोस से आते हैं मिलजुल करके आते हैं दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस सिटिंग टुगेदर वो अपने आइडियाज़ को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं मिल कर के जैसे आप ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं इसी तरह से वो बच्चे भी इसी तरह के स्कूल्स में वो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं देर इज नो स्टूडेंट एक्सेप्ट मार्गी सो कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता नो आर मार्गी के सिवाय, सो प्रेजेंट डे स्कूल्स आर मोर फन इसीलिए बताया गया है कि जो आज के जो स्कूल्स हैं वो मोर फनी हैं ज़्यादा फन है उनके अंदर देन द स्कूल्स इन द स्टोरी जैसा कि स्कूल्स uh, को मेंशन किया गया है स्टोरी के अंदर तो इस स्टोरी के अंदर जो स्कूल मेंशन किए गए हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के मेंशन किए गए हैं और वर्चुअल क्लासरूम्स है मैकेनिकल टीचर है तो इस तरह के स्कूल्स जो हैं वो बोरिंग हैं मार्गी के लिए और जो टुडे स्कूल हैं वो ज़्यादा फनी हैं तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है तो सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चनस सो यू कैन ईजीली लर्न ऑल दीज क्वेश्चन एंड आइडियाज़ So subscribe my channel and thank you for watching this video.